वेल, अगर ड्रेसेस आइडिया और स्पेशली रेट्रो पार्टी के लिए ड्रेस आइडिया के लिए बात की जाए तो आपको हमेशा कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप रेट्रो पार्टी के लिए अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रिंट आपको कैसा रखना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको, पोल्का प्रिंट, प्लेट्स और फ्लोरल प्रिंट हमेशा आपके लुक को 1970s के एरा में इजीली कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आपको ढाल सकते हैं। जैसे कि डॉटेड ड्रेसेस होती हैं, उसमें कॉमनली अटायर होता है वो रेट्रो पार्टी के लिए परफेक्ट होता है। अगर आपको याद हो तो बॉलीवुड की फेमस फिल्म बॉबी में डिंपल कपाड़िया ने ये ट्रेंड सबसे पहले शुरू किया था, जब उन्होंने डॉटेड शेलआउट्स और अपने ब्लॉकबस्टर शॉर्ट डेनिम स्कर्ट के साथ टाइप किया था वाइट और ब्लैक डॉटेड टॉप। तो अगर आप 70s और 60s की एरा क्रिएट करना चाहते हैं अपनी पार्टी और ड्रेसिंग सेंस में तो डॉटेड प्रिंट्स आपके लिए सबसे प्रेफरेबल हैं। इसके बाद बारी आती है साड़ी ड्रेपिंग की। जी हाँ, अगर आप अपने रेट्रो पार्टी के लिए साड़ी कैरी करना चाहते हैं तो इसमें से आप अपने वार्डरोब में से कोई भी अपनी मॉम की कूलेस्ट साड़ी टाइटली ड्रेप कर सकते हैं। जैसे कि मुमताज़ अपनी क्लासिक ऑरेंज साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल काफ़ी फेमस है। अगर आपको याद हो तो उसमें मुमताज़ ने काफ़ी बॉर्डर के ट्विस्ट के साथ अपनी साड़ी को काफ़ी टाइटली ड्रेप किया हुआ था। या फिर शर्मिला टैगोर का वो नॉटेड ब्लैक ब्लाउज, जो आप कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप अपनी साड़ी से रेट्रो लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो कोई भी साड़ी या तो आप टाइट फिटिंग के साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर आप बाउंसिंग शोल्डर के साथ या फिर नॉटेड डीप नेक ब्लाउज के साथ भी इसे फ्यूजन करके इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके बाद बार आती है आपके कर्ली ग्रेसफुल और आपके बेल बॉटम्स की। जैसे कि आपको बॉलीवुड से नीतू सिंह और जीनत अमान का स्टाइल याद होगा कि वो बॉल बॉटम पहना करती थी, वो भी शॉर्ट और टाइट फिटिंग टॉप के साथ, जो कि अपने आप में अलग ही रेट्रो स्टाइल क्रिएट करता है। इस स्टाइल में अगर आप साड़ी वेयर करना चाहते हैं तो आप उसको बेल स्लीव्स या फिर बेड स्लीव्स क्रॉप के साथ असेंबल करके पहन सकते हैं, जिससे आपको वेस्टर्नाइज लुक के साथ साथ रेट्रो लुक बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा बोल्ड और बिग प्रिंटेड वाले बेल स्लीव्स ट्यूनिक या फिर मैचिंग स्कार्फ आप अपने सर पर या फिर नेक पर कैरी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा रेट्रो लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आपके फ्लेयर ट्राउजर्स की। जैसे कि 70s का बेल बॉटम्स का स्टाइल था, आप एब्सोल्युटली आज भी वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आजकल फैशन रिपीट करते हुए प्लाजोस मार्केट में हर जगह छाए हुए हैं, जिसको आप ज्योमेट्रिकल शेप फ्लोरल प्रिंट के साथ अपने टॉप टीज या फिर कुर्ते के साथ बड़ी आसानी से मैचअप करके एक और नया रेट्रो लुक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।